हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज अर्थक्वेक, भूकंप। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अर्थक्वेक किस प्रकार से हमें अर्थ के इंटीरियर पार्ट की इंफॉर्मेशन देता है। अर्थक्वेक से जनरेट होने वाली पी एस और एल वेव का जो बिहेव है, उसका जो व्यवहार है, वो अर्थ के सरफेस से और इंटीरियर पार्ट तक की को डिफरेंट लेयर के अंदर उनकी के बारे में जानकारी देता है और उनको डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। जैसे जैसे अर्थक्वेक वेव्स का बिहेव चेंज होता है, वैसे वैसे हमारी अर्थक्वेक के लेयर्स होती हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स भी चेंज होती चली जाती है। आज हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक कैसे जनरेट्स होता है, अर्थक्वेक के टाइप्स क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थक्वेक। व्हाट डू यू मीन अर्थक्वेक? द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज अर्थक्वेक। पृथ्वी की ऊपरी परत का हिलना, वाइब्रेशन होना भूकंप कहलाता है। अर्थक्वेक आर ट्रीमर विच आर प्रोड्यूस बाई द पासेज ऑफ वाइब्रेटिव वेव थ्रू द रॉक ऑफ द अर्थ। तो इसमें अर्थक्वेक की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, अर्थक्वेक अर्थक्वेक आर ट्रीमर विच आर प्रोड्यूस by the passage passage of vibratory wave through the rock ऑफ द अर्थ। अर्थात अर्थक्वेक वेव्स जो भूमि को कंपन पैदा करती हैं और भूमि के आंतरिक भाग की जो चट्टाने होती हैं, इनमें जब भूकंपीय तरंगें गुजरती हैं तो उसे भूमि में कंपन उत्पन्न हो जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता सकते हैं। जैसे कि हम पॉन्ड जो होते हैं, हमारे तालाब जो होते हैं, टैंक होते हैं वाटर के, उनमें कोई भी स्टोन फेंकते हैं और स्टोन फेंकने के बाद जैसे वाटर के अंदर वेव्स चलनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उन वेव की तरह अर्थ के इंटरनल पार्ट से भी भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है और भूकंप की तरंगों से पृथ्वी के धरातल पर इसी प्रकार की तरंगें उत्पन्न होने लग जाती हैं और हलचल उत्पन्न हो जाती है। अर्थात इफ यू थ्रो ए स्टोन इन ए पॉन्ड ऑफ स्टिल वाटर, ए सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक वेव आर प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। किसी तालाब के शांत जल में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो जल के तल पर सभी दिशाओं में तरंगे फैलने लगती हैं। इसी प्रकार से भूमि के आंतरिक भाग में जब ये तरंगे उत्पन्न होती हैं तो पृथ्वी के धरातल पर हलचल होती है और उसे भूकंप के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जब चट्टानों में कोई अचानक हलचल होती है तो उनमें कंपन पैदा हो जाती है और पृथ्वी के धरातल पर इसे भूकंप के नाम से जानते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है, हमारे अर्थ के जो इंटरनल पार्ट के अंदर जो भूकंप की उत्पत्ति होती है, अर्थक्वेक जहां से जनरेट होता है, उस जनरेट पॉइंट को, ओरिजिन पॉइंट को फोकस पॉइंट का नाम देते हैं।
ये आपका अर्थक्वेक का ओरिजिन पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक वेव जनरेट हो रही होती है। ये अर्थक्वेक वेव सर्कल के अंदर होती है, पीछे भी आप लोगों को बताया था कि चारों तरफ जो अर्थक्वेक का फोकस पॉइंट होता है उस अर्थक्वेक के फोकस पॉइंट के सर्कल के अंदर जो है वो वेव जनरेट होती है, जहां पर वेव सबसे पहले जाकर के अर्थ सरफेस के ऊपर हीट करती है, अपना प्रभाव दिखाती है, उसे हम एपी सेंटर का नाम देते हैं। एपी सेंटर के नाम से उसको जानते हैं। तो ये दोनों टर्म्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, फोकस पॉइंट जिस पॉइंट से अर्थक्वेक जो है जनरेट्स होते हैं ओरिजिनेट्स होते हैं, और एपी सेंटर जहां पर अर्थक्वेक वेव उसका सबसे पहले इफेक्ट होता है, मीन्स बिल्कुल उसके स्ट्रेट के ऊपर राइट एंगल के ऊपर ये अर्थक्वेक का सबसे पहले इफेक्ट होता है। तो इनमें जो दो पॉइंट्स होते हैं इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या नाम किस नाम से जानते हैं, तो ये सबसे पहला फोकस पॉइंट, दूसरा एपी सेंटर। द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबो द फोकस इज कॉल्ड द एपी सेंटर। जो फोकस पॉइंट का बिल्कुल वर्टिकल फॉर्म के अंदर सरफेस के ऊपर धरातल के ऊपर जो पॉइंट होता है उसको हम एपी सेंटर का नाम देते हैं। और फोकस पॉइंट द प्लेस ऑफ ओरिजन ऑफ एन अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। तो इन दोनों को डिफाइन हम लिख सकते हैं, फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस पॉइंट द प्लेस ऑफ ओरिजन ऑफ एन अर्थक्वेक अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम फोकस पॉइंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एपी सेंटर। एपी सेंटर ये क्या होता है, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबोव द फोकस फोकस पॉइंट इज कॉल्ड इज कॉल्ड एपिसेंटर इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि फोकस पॉइंट क्या होते हैं और एपिसेंटर जो है वो क्या आते हैं, भूकंप का उद्गम केंद्र जो है उसको हम फोकस पॉइंट का नाम देते हैं, और भूकंप का जो अधिकेंद्र है जहां पर पृथ्वी के धरातल पर पार्ट होता है उसको हम एपिसेंटर का नाम देते हैं। ठीक है, ये आपको दोनों ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ अर्थक्वेक। टाइप ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के टाइप्स क्या हैं और अर्थक्वेक जो होते हैं उसके कौन से फैक्टर हैं वो अफेक्टेड करते हैं, उसके काजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके काजेस ऑफ अर्थक्वेक पढ़ लेते हैं। काजेज ऑफ अर्थक्वेक
किसके कारण से अर्थक्वेक जो है वो जनरेट होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो अर्थक्वेक जनरेट होने का कारण है वो आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारा अर्थ सरफेस जो है वो डिफरेंट प्लेट्स के अंदर डिवाइड है, जिसमें जो हमारी मेन प्लेट्स हैं इनमें कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आ जाती हैं जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, और एक हमारी ओशन प्लेट्स आ जाती है। तो इनमें जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, वो आ जाती है आपकी जैसे नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकी प्लेट, यूरोप और एशिया दोनों सिंगल प्लेट के अंदर आती हैं जिसको हम यूरेशियाई प्लेट कहते हैं। इसके बाद जो आपकी साउथ के अंदर प्लेट आ जाती है उसमें अफ्रीकन प्लेट, और साउथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही एक प्लेट के अंदर आती हैं इसलिए इसको इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो है वो आपकी पैसिफिक ओशियन प्लेट और आपकी अटलांटिक प्लेट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्लेटें हैं इनके अंदर डिवाइड है। ये प्लेटें जो हैं ये हमारे एस्थोनोस्फेयर जो है, जो लिथोस्फेयर के नीचे की लेयर आ जाती है, एस्थोनोस्फेयर मीन्स स्थिर नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है। जैसे कि आप लोगों को पीछे भी बताया था मैंने आपको कि हमारा मेंटल है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, तो एस्थोनोस्फेयर जो है ये एस्थोनोस्फेयर के ऊपर है वो ट्रेवलिंग कर रही होती है या फ्लैटिंग कर रही होती है, उस पर तैर रही होती है। उस तैरते हुए पर्थ के कारण से इन प्लेटों के अंदर मूवमेंट होता है, और जब प्लेटों में मूवमेंट होता है तो अर्थ सरफेस पर भी इसका इफेक्ट होता है। ये प्लेटें जो हैं वो थ्री टाइप की हैं। इनके अंदर जो है वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती हैं। कन्वर्जेंट जो होती हैं उनके अंदर दो प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट जो होती हैं वो कन्वर्जेंट होती हैं, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, और नज़दीक आती हैं तो उनके बीच का पॉइंट जो है उसमें वाइब्रेशन होने लग जाता है, क्योंकि जब ये आपस में टकराती हैं तो ऊपर के सरफेस के ऊपर वाइब्रेशन होता है और अर्थक्वेक जनरेट हो जाता है। दूसरी प्लेटें जो होती हैं वो डाइवर्जेंट होती हैं, वो मूव होती हैं अपोजिट साइड के अंदर, एक दूसरे के अपोजिट साइड के अंदर। ये जो है वो प्लेट बाउंड्री होती है। प्लेट बाउंड्री होने के कारण से ये प्लेट इधर मूव कर रही है, ये प्लेट इधर मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर जब ये मूव करती हैं तो उस इफेक्ट के कारण से अर्थ के सरफेस के ऊपर वाइब्रेशन होने लगता है, उसके ऊपरी पार्ट के ऊपर वाइब्रेशन होने लगता है और अर्थक्वेक जनरेट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के अंदर जो है टू प्लेटें होती हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर जो है वो एक दूसरे से अप और डाउन के अंदर मूव करती हैं, एक अप की तरफ जा रही है दूसरी डाउन की ओर जा रही है। जब अप और डाउन के अंदर मूव करती है तो उनका जो सेंटर पॉइंट होता है, जो प्लेट बाउंड्री होती है, वहां पर वाइब्रेशन होता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और उससे सरफेस के ऊपर वाइब्रेशन होने लगता है, और ये वाइब्रेशन होता है तो इससे अर्थक्वेक जनरेट हो जाते हैं। तो ये था सबसे पहला पॉइंट जो आपके प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री फॉर्म्स, प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है इसके कारण से हमारे अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। ये अर्थक्वेक जनरेट होने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आपके बुक के अंदर दिया गया है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइडली एक्सपेक्टेड थ्योरीज रिगार्डिंग काजेज ऑफ द अर्थक्वेक इज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, रिज्ड लिथोस्फीयर स्लैब एंड रिज्ड ऑफ द सॉलिड क्रिस्टल लेयर्स आर नोन एज प्लेट। जो कठोर और सॉलिड हमारे अर्थ सरफेस के पार्ट होते हैं उसको हम प्लेट का नाम देते हैं। द क्रिस्टल प्लेट्स एंड कंस्टेंटली मूविंग द डिफरेंट स्पीड्स एंड डिफरेंट डायरेक्शंस। जो प्लेटें होती हैं वो डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव करती हैं। द कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। जो कन्वर्जेंस टू व्हेन टू प्लेट कम ईच अदर, जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आ जाती है तो कन्वर्जेंट। व्हेन टू प्लेट्स मूव अपोजिट साइड
ईच अदर, जब दो प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट साइड्स के अंदर मूव करती हैं तो उस कंडीशंस के अंदर जो है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री आ जाती है। एंड व्हेन टू प्लेट्स हॉरिजेंटल ईच अदर, एक दूसरे के जो है वो हॉरिजेंटल फॉर्म्स के अंदर मूव होती है तो वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री आ जाती है और इन्हीं के कारण से हमारे अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट काजेस, फॉल्ट काजेस ऑफ अर्थक्वेक। सेकंड, फॉल्ट अर्थक्वेक, इसके अंदर जो होता है इसके अंदर विस्फोट वगैरह हो जाते हैं, फॉल्ट क्रिएट हो जाता है जिसके कारण से हैं वो अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। ये अर्थक्वेक जो जनरेट्स होते हैं इसमें रॉक्स जो होती हैं इनमें फॉल्ट क्रिएट होता है, रॉक जो होते हैं वो स्लाइडिंग हो जाती है, रॉक्स जो होती हैं उनके अंदर मूवमेंट्स उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण से जो है वो अपर सरफेस के ऊपर वाइब्रेशन होने लग जाता है। देज आर मोस्ट ऑफ कॉमन अर्थक्वेक एंड जनरेटेड बाई स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग द फॉल्ट प्लेन, जो फॉल्ट प्लेन वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो रॉक्स है वो स्लाइडिंग हो जाती है, तो इसका मेन रीजन क्या होता है, रॉक्स स्लाइडिंग। चट्टानों का खिसकना होता है, चट्टाने खिसकती हैं तो सरफेस के ऊपर वाइब्रेशन होने लग जाता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, फॉल्ट काज अर्थक्वेक। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है वोल्केनिक अर्थक्वेक, थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है वोल्केनोस। वोल्केनो इरप्शंस के टाइम्स के अंदर जो रॉक्स हैं वो टूटती हैं, जो चट्टाने होती हैं उनमें क्रैक्स आ जाती हैं, दरार आ जाती हैं, वो टूटती हैं और जो गैस रॉक्स को तोड़ करके बाहर निकलती है तो उस प्रेशर्स के कारण से नियर बाई एरिया के अंदर अर्थक्वेक जनरेट हो जाता है। अर्थ के इंटरनल पार्ट्स के ऊपर गैस वगैरह जो है वो बहुत सारी कलेक्ट होती रहती हैं, जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस होता है और अदर्स जो टेक्टोनिक प्रोसेस होता है उससे गैस और एनर्जी रिलीज होती रहती है और ये एक अर्थ के इंटरनल पार्ट्स के अंदर जो है वो जमा होती रहती है। जब ये जमा होती है तो जब अपर लेयर जो होती है इस प्रेशर को सहन नहीं कर पाती तो ये इनको तोड़ करके बाहर निकलती है, जब ये चट्टाने टूटती हैं तो अर्थ सरफेस के ऊपर वाइब्रेशन होने लगता है और इस वाइब्रेशन से अर्थक्वेक जनरेट हो जाता है। तो ये वोल्केनिक जो अर्थक्वेक होता है, एज द नेम ऑफ इंडिकेट दीज अर्थक्वेक आर कास्ट बाय द वोल्केनिक इरप्शंस एंड आर क्वाइट डिवेस्टिंग्स, हाउ एवर दीज आर द कन्फाइंड टू एरिया ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज। ये अर्थक्वेक उन जगह पर सबसे अधिक आते हैं जहां एक्टिव वोल्केनोज होते हैं और एक्टिव वोल्केनोज जो होते हैं वो हमारी पैसिफिक जो ओशियन है और उसके नियर बाई एरिया पर जो कॉन्टिनेंटल बाउंड्री आती है जहां पैसिफिक ओशियन को कॉन्टिनेंट टच करते हैं वहां पर इस प्रकार के वोल्केनोज जो हैं वो इरप्शंस होते रहते हैं और वहां अर्थक्वेक जो है वो जनरेट होता रहता है, यानी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से उस जगह पर जानते हैं क्योंकि वहां वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है और वोल्केनिक इरप्शंस के कारण से आग निकलती रहती है और अर्थक्वेक भी वहां जनरेट से होते रहते हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक जो होता है ये मैन मेड होता है, ह्यूमन बीइंग डिफरेंट टाइप्स की जो एक्सप्लोजन्स करता है, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटी के लिए जो रॉक्स होती हैं उनको तोड़ने के लिए उनके अंदर विस्फोट करता है,
जो चट्टानें होती हैं, जैसे पत्थर वगैरह होती हैं और अदर चट्टानें होती हैं, उनको तोड़ने के लिए विस्फोट करता है, तो उससे अर्थ सरफेस पर वाइब्रेशन होता है। दूसरा बात यह होती है, बहुत सी बार जो है वो कुछ न्यूक्लियर और केमिकल्स जो एक्सप्लोजन्स किए जाते हैं, कुछ न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं, इन न्यूक्लियर और केमिकल टेस्ट के कारण से अर्थ के इंटरनल पार्ट्स के अंदर जब ये एक्सप्लोजन किया जाता है, ये विस्फोट किया जाता है, तो उससे भी बहुत सी बार जो है वो अर्थक्वेक आ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पोखरण के अंदर जो न्यूक्लियर टेस्ट देखा था मूवी के अंदर, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी दूरी तक जो है वो अर्थक्वेक वेव जो है वो जनरेट हुई थी। तो इसको हम एक्सप्लोजन अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं, ये मैन मेड होता है। व्हेन ए केमिकल और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स टेक प्लेस ग्राउंड शेकिंग अकर एंड अर्थक्वेक इज नोन एज एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। जब कभी परमाणु या रासायनिक विस्फोट से भूमि में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे विस्फोटक भूकंप के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है आपका कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक इस प्रकार के जो भूकंप होते हैं, इनको हम हिंदी में नियात भूकंप कहते हैं, अचानक से उत्पन्न होने वाले, सडनली जो अर्थक्वेक उत्पन्न होते हैं। बहुत सी बार क्या होता है कि हम अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं और अंडरग्राउंडिंग माइनिंग करने से अंडरग्राउंड माइनिंग की जो रूफ होती है वो खाली हो जाती है। ये अंडरग्राउंड माइनिंग के थ्रू यहाँ से जो मटेरियल था, मिनरल्स वगैरह थे, उनको हमने बाहर निकाल दिया और ये पूरा एरिया है वो खाली हो गया। जब बहुत सी बार इसकी जो रूफ होती है वो क्या हो जाती है, धस जाती है, नीचे कोलैप्स हो जाती है, तो ऊपर जो पार्ट होता है उसके अंदर वाइब्रेट उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार के जो अर्थक्वेक होते हैं उनको हम कोलैप्स या विस्फोटक या नियात भूकंप के नाम से भी जानते हैं। इनमें भी बहुत सी बार माइनिंग के कारण से हम क्या करते हैं, एक्सप्लोजन करते हैं, ठीक है, तो उसके कारण से इनकी जो छतें होती है वो नीचे गिर जाती हैं, तो इनको हम कोलैप्स भूकंप के नाम से जानते हैं। इन एरिया ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी ऑफन द रूफ ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग कोलैप्स एंड माइनर ट्रीमर्स टेक प्लेस। बहुत सी बार छत नीचे दह जाती है और ऊपर जो है वो हल्के झटके महसूस होते हैं, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, कोलैप्स अर्थक्वेक का नाम देते हैं। तो ये थे मेन पॉइंट्स आपके। इसके अलावा जो अर्थक्वेक आते हैं वो आ जाते हैं आपको रिजर्व्स अर्थक्वेक। जो हमारे रिजर्व अर्थक्वेक होते हैं, रिजर्व अर्थक्वेक जो होते हैं, ये हमारे जो डैम वगैरह होते हैं, इन डैम वगैरह का जो वाटर स्टोरेज होता है, तो उस स्टोरेज से रिजर्व इंड्यूस्ड अर्थक्वेक होते हैं, जो हमारे बांध से उत्पन्न भूकंप होते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि हमारे जो वाटर रिजर्व्स होते हैं, इन वाटर रिजर्व्स के अंदर जो है वो वाटर फिलिप हो जाता है, और जो वाटर फिलिप हो जाता है तो नीचे की जो रॉक्स होती है इनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ये रॉक्स जो होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और जब ये रॉक्स टूट जाती हैं, इन पर प्रेशर होता है, तो अपर पार्ट जो होता है उस पर वाइब्रेशन होने लगता है। तो इस प्रकार के जो अर्थक्वेक जनरेट्स होते हैं उनको रिजर्व्स इंड्यूस्ड अर्थक्वेक का नाम देते हैं, बांध जनित अर्थक्वेक का नाम दिया जाता है। 1967 के अंदर जो है वो महाराष्ट्र के अंदर कोयना रिवर के ऊपर डैम बनाया गया था, उस डैम के अंदर वाटर फिलिप होने के कारण से रॉक है वो ब्रेक हो गई, और 1967 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर कोयना अर्थक्वेक जनरेट हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, कोयना। तो ये 1967 के अंदर रिजर्व इंड्यूस्ड अर्थक्वेक जनरेट हुआ। तो ये हमारे मेन थे अर्थक्वेक के टाइप्स और
उनके रीजन्स, उनके काजेज की किस कारण से होते हैं ये, और उन कितने टाइप्स के हमारे अर्थक्वेक होते हैं, ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के जो प्रभाव होते हैं वो क्या होते हैं। तो अर्थक्वेक जब जनरेट्स होता है और इसका रिएक्टर स्केल जो है वो 6 से ऊपर पहुंच जाता है, रिएक्टर स्केल पर इसका मेजरमेंट जो है वो 6 पॉइंट से ऊपर पहुंच जाता है तो ये हार्मफुल हो जाता है। ये जिस रीजन्स के ऊपर ओरिजिनेट होता है, जहां पर इसकी उत्पत्ति होती है, वहां पर लार्ज स्केल्स के अंदर लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा 2001 के अंदर गुजरात के भुज क्षेत्र के अंदर यह अर्थक्वेक आया था और वहां पर इसका जो रिएक्टर स्केल था वो 7.9 था, जो बहुत ही हार्मफुल था, जिसके कारण से भूज क्षेत्र के अंदर लार्ज स्केल्स के अंदर लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था। तो इससे हमारे जो अर्थ सरफेस के ऊपर बिल्डिंग्स होती हैं, रोड्स होते हैं, डैम्स होते हैं, ये हमारे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और लार्ज स्केल्स के ऊपर इससे हमारी प्रॉपर्टी का और लाइफ का लॉस होता है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका इफेक्ट पढ़ रहे हैं, अर्थक्वेक काज हैवी लॉस लाइफ एंड प्रॉपर्टी, द मैक्सिमम डैमेज ऑफ काजेस नियर द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, सबसे अधिक उस पॉइंट पर होता है जो फोकस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर सेंटर पर होता है, एपिसेंटर जो पॉइंट होता है इसके ऊपर सबसे अधिक लॉस होता है। द मोस्ट रिसेंट अर्थक्वेक इज वन विच रॉक भुज इन गुजरात ऑन 26 जनवरी 2001, द ट्रीमर्स वर फॉल्ट ऑल ओवर द इंडिया सब कॉन्टिनेंट इंक्लूड इंडिया, इसका इफेक्ट जो है वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर सभी जगह पर देखने को मिला था, इतना ये भयंकर था। पाकिस्तान एंड नेपाल, पाकिस्तान और नेपाल तक जो है वो इसका इफेक्ट हुआ था। द मेजर 7.9 ऑन द रिएक्टर स्केल्स, अबो 1 लाख पीपल लॉस्ट देयर लिव्स, लगभग 1 लाख लोग जो हैं वो इस अर्थक्वेक के प्रभाव से अपनी जान को गंवा चुके थे। दूसरा पॉइंट आता है, समटाइम अर्थक्वेक डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग रॉक स्ट्राटा, बहुत सी बार जो होती हैं अर्थक्वेक जो है वो चट्टानों के ऊपर जो बेसिक रॉक्स होती हैं उनको डिस्टर्बेंस कर देते हैं, जैसे ये हमारी बेसिक रॉक्स है, इसके ऊपर दूसरी रॉक्स हैं, तो इनके अंदर जब वाइब्रेशंस होता है तो ये चट्टानों का बेस होता है इसको क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, हल्का कर देते हैं, इसका आधार जो स्ट्राटा है उसको कमजोर कर देते हैं, जिससे भी हमारे जो अपर लेयर्स होती हैं वो लैंडस्लाइड होकर के हमारे रिवर्स वगैरह का जो वे होता है, रास्ता जो होता है, उसका प्रवाह क्षेत्र होता है, उसको वो डिस्टर्ब कर देते हैं और उससे फ्लड की कंडीशंस हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। जैसे इसमें दिया गया है, द समटाइम अर्थक्वेक डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग रॉक स्ट्राटा एंड ब्लॉक ऑफ द फ्लो वाटर इन ए रिवर, द रिवर वाटर समर्ज एंड सराउंडिंग लो लेइंग एरिया काजिंग फ्लड्स, जिससे जब रिवर फ्लो हो रही होती है और रिवर्स के रास्ते के अंदर स्लाइडिंग होकर के रॉक्स आ जाती हैं तो रिवर का रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है और रिवर के बैक रिवर का वाटर जो होता है वो फ्लड का रीजन बन जाता है। इस प्रकार के जो फ्लड का कारण बना था वो 1950 के अंदर ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर इस प्रकार से अर्थक्वेक के कारण से ब्रह्मपुत्र रिवर्स का वाटर जो है वो ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, उसके बीच में बैरियर लग गया और पीछे का एरिया जो है वो बाढ़ से प्रभावित हो गया। बहुत सी बार जो है वो अर्थक्वेक जनरेट्स होते हैं तो उससे सुनामी भी क्रिएट हो जाती है। ओशियंस के अंदर, ओशन फ्लोर के अंदर जब वाइब्रेशन होता है तो ओशियंस वाटर है वो क्या करने लगता है, वेव के रूप में कोस्टल एरिया की ओर फास्टली जो है वो मूव करता है, तेजी से मूव करता है, जिसको हम सुनामी का नाम देते हैं। सुनामी जो है वो हमने नेचुरल हैजर्ड्स और डिजास्टर वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि सुनामी कितनी हार्मफुल होती है। सुनामी जो है वो डिजास्टर बन जाती है जब ये कोस्टल एरिया के ऊपर आकर के
उसके जो सेटलमेंट्स होती हैं, सी पोर्ट्स होती हैं, और अदर्स जो फिशरमैन्स की सेटलमेंट